नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है राजकुमारी जी, जो कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी शुभचिंतक हैं और समाजसेवी हैं और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि बाबा साहब ने अपना आखिरी संदेश क्या दिया था। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, बाबा साहब की आप बात कर रहे हैं। बाबा साहब का आखिरी संदेश, बाबा साहब का आखिरी संदेश का मैं जिक्र करूं, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं कि 1943 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 16 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, ये सोचकर कि बाबा साहब, मैं अकेला अंबेडकर समाज के लिए काम कर रहा हूं। जब ये 16 लोग तैयार होकर के पढ़ लिख करके वापस भारत आएंगे तो हमारे जो काम की गति और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो बाबा साहब ने 16 लोगों को पढ़ने भेजा, लेकिन जब वो लोग पढ़ लिख करके वापस आए तो आते ही एक आध को छोड़ करके सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। और जब ये बाबा साहब को पता चला कि ये सब लोग कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। और बाबा साहब सोचने लगे कि मैं अब समाज के लिए क्या करूं, मैं तो क्या सोच के क्या चला था और ये हो क्या गया। अब बाबा साहब ये सोच सोच कर परेशान कि अब मैं समाज के लिए ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं समाज को जल्दी से जल्दी और अधिकार दिलाऊं। तो एक दिन दुखी होकर के बाबा साहब ने अपने पीए नानक चंद रत्तू से बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि नानक चंद, आप लोगों को नहीं पता कि मुझे कौन सी बात दुखी कर रही है, कौन सी बात मुझे परेशान कर रही है, कौन सी बात है जिससे मैं उदास हूँ, मैं चिंतित हूँ। तो बाबा साहब ने कहा, मेरी पहली चिंता तो ये कि मैं अपने समाज को दूसरे समाज के साथ, दूसरे वर्गों के साथ, दूसरे समाज के साथ शासित रूप में देखना चाहता था, शासक के रूप में देखना चाहता था, लेकिन जो सत्ता की जो भागीदारी है उसके रूप में देखना चाहता था, राजा के रूप में देखना चाहता था। लेकिन अब बीमारी ने मुझे अपंग और धराशाही कर दिया है, अब मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है। तो मैंने जो कुछ काम किया है उसका लाभ कुछ लोग ही उठा रहे हैं, वो लोग भूल गए हैं कि उनकी ड्यूटी और लोगों के प्रति बनती है, जिससे वो अपने समाज के साथ धोखा, कपट, ये सब कामों से, धोखे और कपटपूर्ण कामों से वो अपने आप को निकम्मा, नकारा, बेकार सिद्ध कर दिया है। और वो अपने जो गरीब भाई हैं, जो आज नहीं जानते हैं कि समाज में हमें जो मिला है उससे हम समाज का भला करें, लेकिन वो सारे के सारे लोग जो फ़ायदा उठा के बैठे हैं वो अपने गरीब भाइयों के प्रति अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं, वो सारे के सारे मेरी कल्पना से दूर हो गए हैं। अब मैं चाहता था कि मैं चाहता था कि जो लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए जी रहे हैं वो केवल जो लोग समाज का काम नहीं कर रहे हैं वो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जी रहे हैं, उन लोगों में से एक भी सामाजिक काम करने के लिए तैयार नहीं है। वे अपने विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। जो मैं चाहता था कि वो लोग समाज के लिए करें, वो उन्होंने दूर दूर तक भी उनकी सोच नहीं है। अब मैं बीमारी से ग्रसित, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो समय बचा है वो समय मैं अपने गांव की उस गरीब जनता को लगाऊं जो आज भी गांवों के अंदर कष्ट उठा रही है, उनको
जो जीवन है उनके जो जीवन शैली है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, उनकी आर्थिक हालत बड़ी ख़राब है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अब गांव के गरीब लोगों के लिए काम करूँ, साथ साथ मुझे ये भी पता है कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, धराशायी हो चुका है। मैंने जो लिटरेचर लिखा है समाज के लिए, मेरे जाने के बाद उसे प्रिंट कौन कराएगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। और बाबा साहब बड़े दुखी थे। बाबा साहब ने कहा कि मैं चाहता था कि मेरे जीते जी समाज का कोई व्यक्ति आगे आए और इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले कि इस आंदोलन को, इस मोमेंट को आगे चलाए। लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, मुझे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है जो इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले, जो मेरी कल्पनाओं पर, मेरी भावनाओं पर पूरा उतरे। मुझे अपने जिन भाइयों पर पूरा भरोसा और विश्वास था कि ये इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और इस सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, वो सारे के सारे नेतागिरी के चक्कर में लग गए हैं, वो सारे के सारे आपस में लड़ रहे हैं। उनमें से किसी का भी ध्यान इस जिम्मेदारी की तरफ नहीं है। मैं जो कुछ भी हासिल कर पाया, बेहद दुखों, अंतहीन परेशानियों से गुजरते हुए मैंने समाज के लिए अकेले ही हासिल किया। मैंने बेहद दुखों से, परेशानियों से, खासकर हिंदू अखबारों की तरफ से की गई गालियों की बोछारों के बीच मैंने इस सब काम को किया। मैं अपना सारा जीवन अपने विरोधियों से और अपने मुट्ठी भर लोगों से लड़ता रहा जिन्होंने अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मुझे धोखा दिया। मैं इस कारवां को बड़ी कठिनाई से यहाँ तक लेकर आया हूँ। अगर मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे ना ले जा सकें तो किसी भी सूरत में इसे पीछे ना जाने देना। ये बाबा साहब का आखिरी संदेश था। और साथ में बाबा साहब ने कहा था, मैं ये संदेश बड़ी गंभीरता के साथ तुम्हें दे रहा हूँ जो शायद मेरा आखिरी संदेश है। और बाबा साहब ने कहा था कि मेरा ये पूरा विश्वास है समाज के ऊपर कि मेरा समाज इस कारवा को पीछे नहीं जाने देगा। और बाबा साहब ने कहा था कि मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे जाने के बाद ये व्यर्थ नहीं जाएगा, जो मैंने समाज को दिया है वो आगे बढ़ेगा। और आप सब इस कारवा को आगे ले जाने के लिए संकल्प करें, वचनबद्ध करें। समाज के जितने बहन भाई जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, मैं अपने दिल की गहराई से कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा कोई मसीहा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, बाकी सब बेकार है। अगर इस सच्चाई पर रहना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, तो समाज के भाइयों आज से ही बाबा साहब को फॉलो करना शुरू कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।